इन्होंने मेरा इम्तिहान लिया कि 92 की गिनती शुरू करेगा, स्तंजे की 92 सुनते हैं आप, वो हाँ जी खड़े होके पानी पीना सुन्नत है। सही बुखारी में हदीस है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो कूफे में चबूतरे पे बैठ के असर से मगरिब तक लोगों को मसाइल बताया करते थे, और उसमें आप रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने एक दफ़ा किसी ने वज़ू का तरीका पूछा तो उन्होंने वज़ू किया, वज़ू के बाद बचा हुआ पानी जो है खड़े होके पिया, और लोगों ने के कहा कि ये आपने क्या किया है, तो सईद अली ने कहा कि मैंने ये तुम लोगों के लिए किया है, मैंने देखा है कूफे में लोग खड़े होकर पानी पीने को मायूब समझते हैं जबकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर पानी पीते हुए पाया है। ठीक है ना जी। फिर तिर्मिज़ी में हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हम नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में खड़े होकर खाना भी खा लिया करते थे, पानी भी पीते थे, और आप हमें मना नहीं फरमाते थे। वो जो मुस्लिम की हदीस है ना जो खड़े होकर भूल के भी पानी पिए तो क्या कर दे, वो मंसूख है, वो उसी तरह मंसूख है जैसे मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि जो आग में पकी हुई चीज खाए वो वजू दोबारा करे, लेकिन बाद में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उसकी तो खैर तंसीख मुस्लिम में ही आ गई, और जरूरी नहीं होता कि एक किताब में ही तंसीख आ जाए। जैसे मैंने कहा बुहारी मुस्लिम के तहत तो जुम्मे का गुसल वाजिब बनता है, लेकिन अबू दाऊद की हदीस से पता चलता है कि वो वाजिबियत मंसूख हो चुकी है, अब सिर्फ मुस्तहब है। अलबत्त मुस्लिम की एक हदीस है कि मुसलमान पे हफ्ते में एक दिन गुसल करना वाजिब है, ये बाकी है, वो चाहे जुम्मे का दिन है सोमवार का दिन है, हफ्ते में एक दफ़ा गुसल हो ही जाता है। मुसलमान तो माशाल्लाह जो है वो तो माज जिस तरह नहाने की शौकीन है ना मुसलमान दे, ये कितना इस्लाम का एहसान है कि वो नहाने का शौकीन होता है। कई एक एहसानात है इस्लाम के, ये गैर ज़रूरी बालों को साफ़ करना, बदबू को दूर करना, साफ़ सुथरा रहता है मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल है।